चाहें, हम कोई प्लान वगैरह के बारे में कर लें, क्योंकि हमारा देखिए हम कस्टमर को बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारा प्लान ही होता है कि कोई ना कोई प्लान हम उसके बारे में डिस्कस कर पाएं। तो प्लान्स के बारे में हम जितना ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हम सेल भी कर पाएंगे। तो हमें लगातार प्लान्स के बारे में रिवाइज करते रहना जरूरी है, प्लान्स के बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, लगातार ये सब काम हमको करना जरूरी है। तो कौन सा है कि आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में जानना जरूरी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए? कि आपका मैंने प्रियम कैलकुलेटर खोल लिया है और प्रियम कैलकुलेटर में आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे प्लान लिखे हुए आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एंडोमेंट प्लान हैं, आपकी स्क्रीन पर न्यू एंडोमेंट 914, 915, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, आधार स्तंभ, आधारशिला, बीमा ज्योति, माइक्रो बचत, बचत प्लस, न्यू मनी बैक, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री, न्यू चिल्ड्रन मनी बैक, जीवन तरुण, जीवन उमंग, जीवन शांति, प्रधानमंत्री योजना, जीवन अक्षय, बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, जीवन अमर, जीवन रोग्य, कैंसर कवर, निवेश प्लस, SIP एंडोमेंट प्लस, इनमें से कौन सा वाला प्लान आप आज उसके बारे में आप बात करना पसंद करेंगे? या तो कोई और टॉपिक का आप चाहेंगे कि हम उसके कोई और टॉपिक को लेके चलें आज? नहीं, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपका टेबल लगे हो। नहीं मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि प्लान्स जो हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज हमें प्लान्स की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि कस्टमर के सामने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल हम बता सकें। इस वजह से मैंने आपको पूछा। देखो प्लान की यदि आपको जरूरत है तो हम प्लान को कंटिन्यू करें, अदरवाइज हम कोई और टॉपिक ले सकते हैं। प्लान तो मैंने इस वजह से बोला है कि देखिए यदि आपको जरूरत है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर ये वाला जो जो लीडर जो ऐप है उसका स्क्रीन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो इसके अंदर ये ढेर जी, सारे प्लान दे रखे हैं। यदि आप कि हाँ ये वाले प्लान्स के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छे तरीके से आता है, तो ठीक है ऑल इन वन देख लेते हैं ना। हमारे पास ऑल इन वन भी अवेलेबल है, हमारे पास ऑल इन वन के हाँ अंदर प्लस है, इलस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इलस्ट्रेशन बनाने का तरीका, कैलकुलेशन का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, दो ऐप हमारे पास अवेलेबल है, दोनों ऐप्स के अंदर बनाने का समझाने का तरीका थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्लान्स के बारे में हम जितना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान तरीके जान सकते हैं उतने ये क्या हो रहा है भाई? एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो खैर क्या करें, इसका एडवर्टाइजमेंट तो बीच में ऐड आता है। अच्छा इसके अंदर यहाँ पर इसमें सेल्स टॉप और एच प्लस के बारे में यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रखा है। अच्छा SIP के अंदर सेम हाल है, लीडर का ऐसा हाल नहीं है क्योंकि लीडर ने उसको समझा रखा है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट इसके अंदर दे रखा है, बीमा बचत दे रखा है, जीवन अमर दे रखा है, प्रधानमंत्री वयोवंदना योजना दे रखा है, न्यू जीवन शांति, जीवन अक्षय दे रखा है, जीवन आरोग्य, कैंसर कवर, चिल्ड्रन मनी बैग, जीवन तरुण, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, जीवन रक्षक, ये तो बंद हो गए, तो इनको हम छोड़ देते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट आपको पता ही है क्या क्या लगाने होते हैं, एनएवी कौन से प्लान पर है, जैसे पता नहीं आपने ये खोल कर कभी एनएवी आपने देखा कि नहीं देखा? देखा आपने देखा? यस नो? यस यस देखा। आपने देखा एनएवी? आपके काम की चीज है, यहाँ के अंदर लिखा है, हम अलग अलग प्लान का एनएवी देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ब्रांच सर्च है, ब्रांच सर्च में जरूरत नहीं है, कौन सी ब्रांच सर्च करनी है वो तो गूगल में भी पता लग जाता है। प्लान कंपैरिजन, प्लान का कंपैरिजन करना, इसके अंदर कंपैरिजन आ जाता है। एज कैलकुलेशन, कस्टमर का एज कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर कैलकुलेशन इसके अंदर अवेलेबल है। कौन सी एज से हम बैक करेंगे, टूडेज डेट हमको नहीं देनी है, हम जिस डेट के अंदर हमको बैक डेट करना है वो वाली डेट हमको देनी है, और उसके हिसाब से बर्थडे उसका जो है उसके अंदर कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन, BMI कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन हमें हाइट वेट के लिए करने की जरूरत है, किस आदमी का अंडर वेट है, ओवर वेट है, वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। प्लान एडवाइजर, कौन सी एज पर कौन सा प्लान लेना चाहिए, आपने कभी इस वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखा है क्या? प्लान एडवाइजर, मान लीजिए 30 साल का आदमी है, 30 साल की उम्र में कौन कौन सा प्लान अवेलेबल है?
तो क्या आपने इस वाली ऑप्शन का कभी इस्तेमाल करके देखा? देखा है। हाँ बढ़िया, 30 साल की उम्र में न्यू एंडोमेंट जीवन आनंद, तो ढेर सारे प्लान इसके अंदर 30 साल में हमें बता रहा है। मान लीजिए 30 साल के कस्टमर के सामने आप बैठे हैं तो ये बता रहा है, मान लीजिए आप 50 साल के कस्टमर के सामने बैठे हैं तो ये रिव्यू करने पर ये बता रहा है कि 50 साल आदमी को हम कौन से प्लान दे सकते हैं। जो प्लान इसमें बता रखे हैं कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो दे सकते हैं, क्योंकि ऑल इन वन के अंदर सारे प्लान इसने बता रखे हैं, नहीं बता रखे हैं। इसके अलावा भी यदि आप देखें प्लान आपको और मिल जाएंगे, क्योंकि इसने ऑल इन वन ने नहीं दिखाए लेकिन एक्चुअली में अवेलेबल है के लिए। आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन एक या दो या तीन आपको निकालना है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 30 ले लिया, तो इन प्लान को आप बना सकते हैं, पैकेज आप बना सकते हैं, एक प्लान, दो प्लान, तीन प्लान, चार प्लान, ये सब पैकेज आप बना सकते हैं, इनको जोड़ के एक सिंगल इलस्ट्रेशन बनाया जा सकता है। तो क्या आपने ये कभी बना के देखा? हाँ देखा। आपने देखा, बढ़िया। तो क्या अभी आप चाहेंगे इसके अंदर कोई ना कोई दोबारा से बनाना? नहीं वैसे और अशोक जी के लिए जो काम की बात है हम सिर्फ वही करेंगे, अभी हमारे पास है नहीं, तो मुझे लगता है होली जरा ज्यादा अच्छे तरीके से मना ली है तो होली के अंदर बिजी हैं। कल हमने सुबह शुरू किया था तो उस समय विनीता अवेलेबल थी, तो सुबह सुबह विनीता थी, तो विनीता को मैंने कहा कि चलो ठीक है सुबह सुबह, एक्चुअली 8:30 से 9:30 कल राजेश टैगोर जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर 215 लोग गए थे, तो उसके बाद मैंने रखा हुआ था कि 8:30 से 9:30 पर लोग 45 पर उस के लिए मीटिंग, तो फिर हमने 2-4-5 मिनट के बाद फिर हमने बंद कर दिया था। बाद में मुझे पता लगा कि और भी लोग आए थे मीटिंग के अंदर, उन्होंने मेरे को अलग से फोन पर बताया, मुझे अलग से पता लगा कि बाकी आए थे, लेकिन होली की वजह से फिर हमने जल्दी से उसको कट शॉर्ट कर दिया। सो आप अभी हम लोग जैसे यहाँ पर या तो मुकेश जी आप अवेलेबल हैं या तो अशोक जी अवेलेबल हैं, तो हम इस समय का इस्तेमाल करें, समय का अच्छा इस्तेमाल करें, हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जो आपके भी काम का हो और अशोक जी के भी काम का हो, तो या तो आप बताएं, अदरवाइज मेरे पास तो टॉपिक है ही अलग अलग तरीके के, लेकिन हाँ आप यदि बताएंगे जो आपके काम की चीजें हैं तो आपके लिए वो ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। तो अवेलेबल प्लान इसके अंदर मैं बना के आपको बताऊँ एक आध प्लान, या तो आप बना लेंगे नहीं सर बताइए। हाँ बता दूँ। मान लीजिए 933 हमने जीवन लक्ष्य खोल लिया, जीवन लक्ष्य मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जीवन लक्ष्य बच्चों के हिसाब से एक बढ़िया कॉम्बिनेशन प्लान है, तो इसकी वजह से मैंने 933 जीवन लक्ष्य खोल लिया। अभी अभी मेरा एक हमारी टीम के एक साथी हैं, तो उन्होंने किसी प्रोस्पेक्ट का रेफरेंस मुझे दिया कि सर ये देखिए आप इनको जरा बात करिए, इसके लिए मैंने एक के लिए उनको तैयार कर लिया, तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि जीवन लक्ष्य के बढ़िया रिटर्न आ सके। तो ये हमने एज डाल लिया, नाम आप डाल सकते हैं जो भी आप डालेंगे इसके अंदर, नाम इसके अंदर जब आप डालेंगे तो उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, हमको उसके बाद आगे बढ़ के इसके अंदर टर्म डालना है, टर्म हमें इसके अंदर डालना है कि हम कितने साल का हम ये वाला प्लान कर, तो इसके अंदर यहाँ पर हम आगे बढ़े 13 से 25 साल का इसके अंदर टर्म अवेलेबल है, तो जो 13 टर्म जैसे अवेलेबल है तो हम इसके अंदर कोई ना कोई टर्म डालेंगे। टर्म हम डाल लेते हैं 4 साल की बिटिया उनकी है, तो हम लोग 4 साल की बिटिया के हिसाब से डालते हैं, 4 साल हम लोग 5 में दे दें उनको, 4 और 6 18 हैं, 18 में दे दें, 4 18 में 15 साल का टर्म आएगा, चलो हम इसको 18 में देने की कोशिश करते हैं। ओके तो लेट अस स्टार्ट, ये हमने डाला 18, और 18 में 1 लाख रुपए का प्रीमियम का उनका बजट है, तो 1 लाख रुपए प्रीमियम में जब बिटिया 18 18 का मतलब है 4 साल की बिटिया है, तो 4 का मतलब 4 और 18 22 लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हमें 20 की उम्र में बिटिया को हम यदि हम ऐसा करें 1518, चलो हम 18 का बना के देखते हैं और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 18, 4 साल की बिटिया है तो 4 और 18 22, तो मान लीजिए सम अश्योर्ड हम इसके अंदर, क्योंकि 1 लाख प्रीमियम का मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है, और टर्म हम इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 बार इसको प्लस के साइन को दबाया, तो एक 18 ले लेते हैं, एक 19 ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टर्म सबसे पहले डिसाइड करते हैं, टर्म हमको क्या क्या लेना है, एक हमने 20 ले लिया, एक हमने 21 ले लिया, एक हमने 22 ले लिया, एक हमने 23 ले लिया, एक हमने 24 ले लिया, एक हमने 25 ले लिया, लेकिन 25 4 साल,
29 की एज तक पैसा मिलेगा। चलो देखते हैं 29 की एज तक पैसा इसको सूट करता है कि नहीं करता है, इनको पसंद आता है कि नहीं आता है। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो 8 पॉलिसियां इसमें हमने डाली हैं। अब इस 1 लाख रुपए प्रीमियम को इसके अंदर डिवाइड कैसे करें? आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। सो इसको डिवाइड करने के लिए 1 लाख रुपए प्रीमियम 8 पॉलिसी है, तो 8 पॉलिसी में 1 लाख रुपए डिवाइड करने के लिए इसको कर लेते हैं 1.5 लाख का, 1.5 लाख कर लेते हैं। तो 1.5 लाख में शायद 15, 18, 20, 12 लाख हाँ होना चाहिए, 1 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम आ जाना चाहिए। तो 68,000 का प्रीमियम बन रहा है। अरे ये तो हमारा छोटा पड़ गया, हमारा 1 लाख रुपए कस्टमर हमको देने को तैयार है लेकिन 68,000 में तो नहीं चलेगा। हम लोग इसको ऐसा करते हैं, हम लोग इसको क्या 2.20 का कर लेते हैं ना। हाँ बताइए कुछ अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने इसको अलग, हाँ वो अलग से कोई बात थी। अच्छा 1.5 लाख के हमने इसको पेश। अशोक जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, यदि आपका यदि अभी बोलने का आपका यदि इच्छा नहीं है तो बंद कर लीजिए, जिससे कि अच्छे से सुन पाएंगे सभी लोग एक दूसरे को। और यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है, अपना माइक ऑन रखिए, नहीं बोल रहे हैं तो बंद कर लीजिए। जब तक नहीं बोल रहे तब तक के लिए बंद कर लीजिए। तो हमने 1.5 लाख के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके हमने इसको बनाया 2.20। 2.20 के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बना इसका। यहाँ पर लिखा है 96,000, इसका मतलब हमारे को 1 लाख रुपए प्रीमियम कस्टमर भरने को तैयार है। 96 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हमको प्रीमियम और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। ऐसा करते हैं, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, कितना करूँ मैं इसको, 2.25 के आसपास कर दूँ इसको सारा, या तो शुरू के सालों में सारे के सारे सेम 2.25, सारे के सारे में हम 2.25 ही कर देते हैं। 2.25 सेम सम अश्योर रहेगा, कस्टमर को भी ध्यान रहेगा कि चलो ठीक है ये सेम सम अश्योर है। सो 2.25 का हमने यहाँ पर बनाया, 2.25 का हमने यहाँ पर बनाया, 2.25 हमने बनाया आपको इसमें साल में, 20वें साल में भी हम इसको 2.20 कर लेते हैं, 2.25 कर लेते हैं। 19वें साल के अंदर भी हम इसको पेस्ट करके 2.25 कर लेते हैं, और 18वें साल में भी हम इसको पेस्ट करके 2.25 कर लेते हैं। सब नीचे आ जाते हैं, नीचे आके कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर तो मेरे को लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 10,000 के मल्टीपल में डालो, 2.25 मत डालो। ओके, तो आइए दोबारा से इसको चेंज करें, 2.30 करें इसको, क्योंकि ये लेने को तैयार नहीं है 2.25। फिर से एक बार दोबारा से इसको चेंज करें। आपने कभी इस तरीके से बनाकर कोशिश किया है प्लान का कॉम्बिनेशन, इसके अंदर बनाकर कोशिश किया है? आपने कोशिश किया है, बढ़िया। आपने लास्ट टाइम जो कॉम्बिनेशन बनाया था कौन से वाले कॉम्बिनेशन बनाए थे, कौन से प्लान को किसमें मिक्स किया था? यही किया था, लक्ष्य का, लक्ष्य का किया था। तो लक्ष्य का बच्चों के लिए अच्छा पैकेज होता है, बच्चों को इसके अंदर पैसा अच्छा मिल जाता है। 2.30 हमने कर दिया है, 2.30 करने के बाद कैलकुलेट हमने दबा दिया है, उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है 1 लाख। अरे वाह क्या बात, जब कैलकुलेशन आ गया 1 लाख रुपए का प्रीमियम आ गया, 1 लाख रुपए उनको भरना था, 1 लाख रुपए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसमें थोड़ी 2-4 चीजें और भी ऐड कर लेते हैं। 2-4 चीजें इसमें क्या लिखा है कि इसमें नाम, नाम हम डाल लेंगे जब भी इसके अंदर नाम हमें डालना, नाम तो हम कस्टमर के हिसाब से डाल लेंगे। सो नीचे हम इसमें एक आध चीज डाल लेते हैं, टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम की जरूरत हमको नहीं है, रिटर्न डाल लेते हैं, टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न डाल लेते हैं कि रिटर्न टोटल इसके अंदर कितना मिलेगा विद प्लान डिटेल। ये मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, कस्टमर को हम ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे, विद मैच्योरिटी डिटेल। ओके, ये 3 चीजें हम इसके अंदर देते हैं क्या क्या बन रहा है। तो इसके अंदर प्लान लिखा हुआ आ रहा है, 833 के हमने बनाए हैं 8, 2.30, 2.30, 2.30, 2.30, सारे के सारे 2.30 के बनाए हैं हमने, और यहाँ पर इसका लिखा हुआ आ गया है डेथ सम अश्योर्ड में। भगवान ने जब भी डेथ, यदि बीच में डेथ होती है तो 0 से 18 साल के अंदर डेथ होती है तो 20 लाख मिलेगा, 1900 में डेथ होती है तो 17 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख इसमें लिखा है। पहले साल का प्रीमियम 1 लाख है, बाकी के सालों का घटता चला जा रहा है। सो मेरे ख्याल से घटता हुआ प्रीमियम तो शायद इनको ठीक सूट कर ही जाना चाहिए। देखते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन बना के कस्टमर को, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लगा? कस्टमर की एज जब होगी, हमने क्या मान के चला है कि इसके अंदर जो फादर है, फादर की एज है इसमें 30 साल, फादर या मदर जो भी इसका पैसा चेक करके देंगे 40 की एज में पैसा लेगा,
उस समय 4 साल का जो बिटिया है, 4 साल का बिटिया, इसके अंदर 18 लिखा है, तो 4 और 18 22 की उस समय होगी, तो 22 से उसको पैसा मिलना शुरू होएगा, और 25 में यदि हम 4 जोड़ें तो 29 तक उसको पैसा मिलेगा, 22 से 29 तक उसको पैसा मिलेगा, हर साल उसको पैसा मिलेगा 22 से 29 तक, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, इस तरीके से पैसा उसको मिलता चला जाएगा। तो क्या ये बच्चे के एजुकेशन या शादी या तो किसी न किसी पर्पज से क्या ये प्लान सूट कर सकता है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें? ठीक है, यही चलेगा, ठीक है, ओके। अशोक जी आपको क्या लगता है, ये वाला चलेगा या तो इसमें कुछ चेंजेस करें? ठीक है सर, चलेगा, ठीक है, आपको दोनों को इमीडिएटली वहां के ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ये वाला कॉम्बिनेशन आपने आज तक किसको किसको बताया, आज तक आपने किसी को बताया ये वाला कॉम्बिनेशन? मुकेश जी आपने शायद बताया, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने बताया है, ऐसा है मुकेश जी, आपने बताया है ना कुछ, आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने तो ऐसा बता रखा है। हाँ मैंने दिया था 2-3 लोगों को। दो तीन लोगों को कैसा, उनको लगा कैसा, उनको फील कैसा हुआ? ये कॉम्बिनेशन मैंने इधर भेज दिया आपको, आप ग्रुप के अंदर इसको चेक कर सकते हैं। उन लोगों को कैसा लगा ये जब हमने आपने बना के जब उनको दिया, तो उनको कैसा महसूस हुआ, उनको फील कैसा हुआ, प्लान के बारे में उनका ओपिनियन क्या था? नहीं वो तो वैसे तो ठीक था, लेकिन वही थोड़ा सा अमाउंट अमाउंट का क्या था? अच्छी बात है, बढ़िया। सो इसके अलावा कोई और प्लान आप, हाँ कोई और प्लान भी हम डिस्कस करना चाहिए? ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट करते हैं, प्लान हमने पर कंप्लीट कर दिया। माई सिग्नेचर नीचे आप अपना नाम डाल के भेज सकते हैं, माई सिग्नेचर डेफिनेटली आपने अपना नाम डाल कर ही आप इलस्ट्रेशन भेजते होंगे। और प्लान्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे पास जो जो प्लान्स थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस आपको कर लिए, इसके अलावा प्लान्स प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में जानने की इच्छा आपकी क्या है? अशोक जी से पूछ लीजिए, अशोक जी तो फीचर ही होता है उसका, जहां जिसके बारे में होता है। हाँ तो, अच्छा इन दिनों में हम लोग लोगों को संपर्क कर पा रहे हैं या तो नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लोगों से बातचीत हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है सर, अभी भी बीच में कट करके बात ही मैं कर रहा था, लेकिन वो बात नहीं, वो भी घर जा रहा है तो बोला नहीं, मना कर दिया। अभी भी मैं बीच में जो डिस्टर्ब था ना, उसी फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा वो चला गया था जी। आप रोजाना अपने विजिटिंग कार्ड लोगों को बांट पा रहे हैं या नहीं बांट पा रहे हैं? जी सर बांटता हूँ। तो आपने आज कितने विजिटिंग कार्ड अपने बांटे, कल कितने? अभी तक तो नहीं, अब तो वैसे बात ही हुआ है, अभी जाऊंगा रास्ते में जाता हूँ तो देते रहता हूँ। हाँ तो हमें लोगों को विजिटिंग कार्ड देके उनको इसके बारे में, विजिटिंग कार्ड हम क्यों दे रहे हैं वो भी बताना है, और इस विजिटिंग कार्ड से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है वो तो सबसे पहले बताना है कि भाई हम उनको ये कार्ड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्ड लेके कोई जमीन पर फेंकना भी नहीं चाहिए, हमें अपनी कार्ड का सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि हमारा कार्ड लेके लोग उसको संभाल के रखने चाहिए, लगा के रखने चाहिए, और हमें कॉन्टैक्ट करने चाहिए और पॉलिसियां हमसे लेने चाहिए। मकसद तो यही है कि हम लोगों को यदि विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये सुनो जी सर जी, सो हमारे पास इसके अलावा जो चीज अभी अवेलेबल है आज के लिए, फाइनल धमाका कंपटीशन हमारे पास आज के लिए अवेलेबल है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। फाइनल धमाका 1 डेयर, यहाँ पर इसके अंदर लिखा है फाइनल धमाका 1 डेयर 29 मार्च, आज के लिए वाली स्कीम अवेलेबल है। कॉम्पिटिशन फॉर एजेंट्स तो आपके लिए अवेलेबल है, आज हम लोग सिर्फ 3 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो खैर आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने सीखने के लिए सुबह समय लगाया, और आज हमने जो बातें करी तो उससे क्या आपको फायदा हुआ? जी ठीक है, बढ़िया। तो फाइनल धमाका हमारे पास अवेलेबल है 1 डेयर 30 मार्च, यानी कि आज के दिन के लिए अवेलेबल है। इसमें लिखा है कि 2 पॉलिसी यदि आप करते हैं आज के दिन में, तो 6 मिल्टन की वाटर बॉटल का सेट आपको मिलेगा। यदि आप कोई भी 5 पॉलिसी करते हैं, आप एक ही नाम से 5 करेंगे तब भी चलेगा, कोई मिनिमम प्रीमियम का कंडीशन नहीं है। 3 पीस का मिल्टन का कैसरोल का सेट आपको मिलेगा, उसके बाद हर 5 पॉलिसी के ब्लॉक पर आपको 250 रुपए मिलेंगे।
मैक्सिमम प्राइस 25,000 रुपए, तो क्या ये पॉसिबल है अशोक कि आप इसको क्वालिफाई कर पाए? ट्राई करता हूँ, कोशिश। आप ट्राई इसको करेंगे, ये अच्छी बात है। आप मुकेश जी इसको कोशिश कर सकते हैं क्या? मैं देखता हूँ करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड, बढ़िया। आप यहाँ पर आए, बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आपने सुबह सुबह सीखने के लिए समय निकाला। सुबह सुबह का जो मीटिंग का मकसद ये नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए, किसी को परेशान किया जाए, किसी को दुखी किया जाए। सुबह सुबह अच्छे वाले दिया जाए ये नहीं है। सुबह सुबह का यहाँ पर मिलने का मकसद सब लोगों को इकट्ठा, यहाँ पर जो ऑफिस में है, जहाँ अधीन है, हम रोजाना नई नई बातें सीखना कंपलसरी है। हम नई नई बातें रोजाना नहीं सीख रहे हैं तो प्रोग्रेस होना मुश्किल है। तो रेगुलरिटी रखने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमें ये सब काम करना जरूरी है। तो आप यहाँ पर आए, बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आपने समय इसके लिए निकाला, क्योंकि सीखने के लिए समय निकालना और खासतौर से ऐसी एक्टिविटी के लिए समय निकालना जो कि कंपलसरी नहीं है, तो नॉन कंपलसरी एक्टिविटी के लिए समय निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आपने ये वाला मुश्किल काम कर दिखाया है, तो आपके लिए जोरदार तालियां कि आपने सुबह सुबह समय निकाला। और कल के से मीटिंग में उसका ध्यान रखें। अनिल अग्रवाल जी की जो बहू हैं और उनकी जो वाइफ हैं,